हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपम वर्ल्ड। एनसीईआरटी सॉल्यूशन का हम मेंसुरेशन चैप्टर कर रहे थे जो कि आपके पेज नंबर 218 पे दिया हुआ है। अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर के बाद बढ़ चुके हैं एग्जांपल्स की ओर। जो एग्जांपल्स दिए उन्हें हम सॉल्व करेंगे। आई होप सो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिन बच्चों ने वीडियोज़ को वॉच किया होगा। नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाके आप वॉच कर सकते हो। तो अभी हम करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर, दोनों से मिलता जुलता क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि वो दोनों अगर ओवरव्यू में दिखा दिया गया तो उससे मिलते जुलते ही क्वेश्चन आएंगे। तो एग्जांपल नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देखिए अब क्या कह रहा है। फाइंड द एरिया मतलब रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। हुज लेंथ एंड विड्थ आर द 12 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब कि जिस कतार में दिया हुआ है, उस पहले लेंथ दिया है तो लेंथ, विड्थ दिया तो विड्थ। तो कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है और ब्रिथ 4 सेंटीमीटर है, ये कह रहा है। तो हम इसे कैसे फाइंड करेंगे? तो हमें क्या करना है, हमें तो कुछ बनाना है ही नहीं, ड्रो तो हमें करना नहीं है। मैंने ये समझाने के लिए बस लिख दिया। अब हमें क्या करना है, बगैर ग्राफ पेपर पे ड्रॉ किए हमें सवाल को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? आपके बुक में सॉल्यूशन दिया है लेकिन उसे समझते हैं। सॉल्यूशन, अब लेंथ इनटू क्या है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना दिया है आपका, 12 सेंटीमीटर दिया है, क्लियर। और ब्रिथ कितना दे रखा है आपका, ब्रिथ दे रखा है, ब्रिथ ऑफ द रेक्टेंगल दिया है आपका 4 सेंटीमीटर, यही दिया है ना। अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लिखा है इसलिए मैंने लिखा नहीं, यही चीज़ होगा, ऑफ द रेक्टेंगल, ऑफ द रेक्टेंगल। तो क्या है इसका फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रिथ, यही है ना। तो लेंथ कितना था, 12 था, ब्रिथ कितना था, 4 था। तो 12 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे। जिन बच्चों को नहीं आता है, सपोज ऐसा है किसी बच्चों को 12 का टेबल नहीं आता, तो उनके लिए भी एक इजी तरीका है। रफ में आप क्या करो, इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 12 से 4 का, 4 टू जाए, 4 की तो आती ही होगी, 4 टू जाए 8, 4 वन जाए 4, यानी 48 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो यही क्वेश्चन कह रहा था कि अगर एक रेक्टेंगल एरिया का रेक्टेंगल निकालना है जिसका लेंथ 12 सेंटीमीटर और ब्रिथ 4 सेंटीमीटर दिया है, तो उसका कितना आएगा, रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा, 48 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। तो ये आपका सवाल कंप्लीट होता है। आई होप सो आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो क्लियर करने के लिए कमेंट्स में कमेंट छोड़ें।